हेलो डियर किड्स, वेलकम टू गेट योर फेवरेट मैथ एंड टू टी एजुकेशनल चैनल। कैसे हो आप? लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं चल रही है, स्कूल बंद है, आप घरों पर बोर हो रहे होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ वीडियोज बना दूं जिससे आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। कोई बात नहीं, पढ़ना है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अच्छा लगे तो बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज बना सकूँ। प्यारे बच्चों, वीडियोज जो मैं बना रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्लास से ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान वर्धन नॉलेज। अभी बहुत टाइम है, स्कूल में होते थे तो बहुत सारे टाइम्स आपको स्कूल में निकल जाते हैं, अच्छा है, आपके प्यारे प्यारे टीचर्स आपसे दूर हैं, कोई बात नहीं, क्या करें, मजबूरी है। आइए हम लोग कुछ पढ़ते हैं, साइंस का टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज। बेटा ये टॉपिक मैं किसी क्लास विशेष के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए बना रहा हूं, जिससे कि सारे के सारे बच्चे समझ सके। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में हमें बताइएगा कि सही नहीं समझ में आया। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, हमारा चैनल है मेड एन टू टी, क्या मेड एन टू टी, जिसमें हम मेडिकल इंटरेस्ट लेवल तक के वीडियोज बना रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करें आपको पता चल जाए। बेटा साइंस में सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑर्गेनिज्म। आप नाम सुने होंगे, पहले लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग सुनते होंगे, बताए होंगे सर आपको कि लिविंग थिंग्स वे थिंग्स होते हैं जिनमें लाइफ होता है, एवरीथिंग हैविंग लाइफ इज कॉल्ड लिविंग थिंग, एवरीथिंग दैट डज नॉट हैव लाइफ आर नॉन लिविंग थिंग, ये आपको पता है। हम लोग लिविंग थिंग के लिए एक और टर्म यूज किए हैं ऑर्गेनिज्म। पहले हम समझें ऑर्गेनिज्म होता क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, नाम तो सुने हैं। अब कुछ लोग मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ऑर्गेनिज्म हमेशा लिविंग होता है, नॉन लिविंग नहीं होता। थिंग्स दो तरह के होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग। ऑर्गेनिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन कहा जाता है, अ लिविंग थिंग हैविंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर। क्या लिख लेता हूं, नोट कर लीजिएगा, अ लिविंग थिंग। देखिए आगे ना मैंने कहा था ना कि नॉन लिविंग नहीं होता है, ये केवल लिविंग होता है। अ लिविंग थिंग हैविंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जिनके बॉडी का एक विशेष स्ट्रक्चर हो, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो, जिसमें ऑर्गेन्स हो, ऑर्गेन सिस्टम्स हो, है ना, और सारे ऑर्गेन्स और ऑर्गेन सिस्टम एक दूसरे को म्यूचुअली कोऑपरेट करें, एक दूसरे में उन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है क्या, एक दूसरे का सहयोग करना, परस्पर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि एक दूसरे की मदद करना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो कहता है कि वह लिविंग ऑर्गेनिज्म, वह लिविंग थिंग जिनका ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर हो एंड आल्सो हु कैन रिस्पॉन्स टू, जो रिस्पॉन्स दे सके स्टिमुलेशन। स्टिमुली का मतलब होता है एटमोस्फेयर में जो चेंज होता है, जैसे अगर गर्मी लगती है ना तो शरीर में पसीने आ जाते हैं, पंखे में जाने की इच्छा करती है, पंखे में भागते हैं, ठंडी जगह में जाते हैं, स्टिमुलेशन। ठंड लगती है, मम्मी कहते हैं मम्मी स्वेटर बना दीजिए, ठंड लगी आपको तो ठंड लगाना स्टिमुलेशन होता है। अच्छा आप जा रहे हैं, आगे दिखा कहीं पैर किसी कठोर चीज पर पड़ गया, नुकीली चीज पर पड़ गया तो पैर पीछे खींच लिए, ये स्टिमुलेशन होता है। तो कहता है कि जो स्टिमुली या स्टिमुलेशन के प्रति रिस्पॉन्स कर सके कैन ग्रो,
जो बढ़ सके, आप बढ़े ना, पहले छोटे बच्चे थे, मम्मी की गोद में थे, फिर पैदल चलना, अपने पैरों पर खड़े हुए, फिर छोटे हुए, फिर नर्सरी क्लास में, फिर 1 क्लास में गए, 2 क्लास में गए, आपका साइज भी बढ़ा, आपकी हाइट भी बढ़ी, साथ ही साथ आपका मेंटल लेवल भी बढ़ा, है ना। जो शुरू में बड़े प्यार से आपको सब आपको गोद में उठा लेते थे, अब आप गोद में जाइएगा तो मम्मी गोद में उठाएंगे, कहेंगे आप बड़े हो गए हो अब तो, है ना। तो जो ग्रो कर सकता है एंड मेंटेन होमोस्टैसिस, होमोस्टैटिस समझेंगे, एंड मेंटेन होमोस्टैसिस। तो ऐसा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, इसलिए डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है बेटा कि अभी ये सब वर्ड सुन लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। होमियोस्टैसिस का मतलब होता है अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। होमोस्टैसिस का मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। जैसे गर्मी हुई पसीने आ जाते हैं ना, तो बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पसीना चला, पंखे के नीचे गए, गर्मी लगी तब कांपने लगता है ना शरीर, उसी को हम लोग कहते हैं होमोस्टैसिस। एक बार फिर से याद कर लीजिए, अ लिविंग थिंग हैविंग ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हु कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली ग्रो एंड मेंटेन होमोस्टैसिस। नहीं पढ़ने आता है तो हम लोग लिख लेते हैं होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस मीन्स क्या हो गया, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो वह लिविंग थिंग जिसके पास ऑर्गेनाइज बॉडी स्ट्रक्चर हो, जिनमें ऑर्गन्स हो, ऑर्गन सिस्टम हो, अलग अलग फंक्शन के ऑर्गन हो, जैसे हमारे बॉडी में है ना, चीजों को पकड़ने के लिए, खाने के लिए हाथ, देखने के लिए आईज, स्मेल करने के लिए या ब्रीथ करने के लिए नोज, ईटिंग के लिए यानी न्यूट्रिशंस के लिए माउथ, हियरिंग के लिए सुनने के लिए ईयर, चलने के लिए लेग्स, पैर, है ना, अलग अलग ऑर्गन। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो, और जो स्टिमुली मीन्स एटमोस्फेरिक चेंजेस, डैंजर्स के प्रति रिस्पॉन्ड कर सके, जिनका साइज बढ़ सके, और जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अब ऑर्गेनिज्म के अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स में आ गए एनिमल, फिर आ गए प्लांट्स, फिर आ गए बैक्टीरियाज, फिर आ गए फंजाई, फिर आ गए आपको फंजाई के बाद आ गए प्रोटिस्टा, एक्सेट्रा, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांटे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी हम उसको नहीं समझेंगे, अभी हम ये 2 तरह के ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एनिमल और प्लांट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और आई थिंक आप नोट भी कर लिए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। क्या एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लीजिए ऑर्गेनिज्म का, क्या लिविंग थिंग हैविंग ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड हो, हु कैन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली ग्रो एंड मेंटेन होमोस्टैसिस आर नोन एज ऑर्गेनिज्म, राइट। अब हम 2 तरह के ऑर्गेनिज्म के डेफिनेशन में देखें, एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम समझें व्हाट इज प्लांट। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज प्लांट, प्लांट क्या है, प्लांट किसे कहते हैं, प्लांट का कोई डेफिनेशन होगा ना, तो आप कहिएगा सर प्लांट का कौन सा डेफिनेशन है, प्लांट तो प्लांट होता है ना। नहीं बेटा, एवरीथिंग हैज सम सिंप्लीफाइड एक्सप्लेन टर्म कॉल्ड डेफिनेशन। हर चीज को समझाने के लिए जिन टर्मिनोलॉजी का यूज होता है कि जिससे उसको बता सकें, उसी को हम लोग डेफिनेशन कहते हैं। तो प्लांट का एक डेफिनेशन है। अभी हम लोग क्या पढ़े, प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, तो हम कह सकते हैं कि एन प्लांट
प्लांट के डेफिनेशन में एन ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म हू कैन मेक दियर फूड ऑफ दियर ऑल मेक दियर फूड ऑफ दियर ऑन। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा हम और इलेबरेट करेंगे जो क्लास वन उसके बच्चे हैं उनके लिए ये डेफिनेशन है, इससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। एन ऑर्गेनिज्म हू कैन मेक दियर फूड ऑफ दियर ऑन, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं खुद बना लेते हैं क्या कहलाते हैं प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया क्या कि एन ऑर्गेनिज्म हू कैन मेक दियर फूड ऑफ दियर ऑन आर कॉल्ड प्लांट्स। इसी से रिलेटेड एक टर्म आ जाता है क्या कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, ये आप पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटो मीन्स होता है सेल, ऑटोमेटिक होता है अपने चलता है, चलाने की जरूरत नहीं करती है, ऑटोमेटिक सुना होगा ना आपने कि ऑटोमेटिक वॉच है या और बहुत सी चीज, ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, ऑटोमेटिक एसी आ रहा है कि आप गए कमरे में अपना चालू हो गया, दैट इज ऑटोमेटिक। तो ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स, जो अपना न्यूट्रिएंट्स अपना न्यूट्रिशन खुद करता है, तो सेल्फ न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफ। तो प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है। इस आधार पर हम लोग प्लांट का डेफिनेशन कहते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म हू कैन मेक दियर फूड बाय कन्वर्टिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर अपना फूड बना सकते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं, क्या कहलाते हैं प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, प्लांट डेफिनेशन याद हो गया, क्या करता है एन ऑर्गेनिज्म हू कैन मेक दियर फूड बाय कन्वर्टिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये डेफिनेशन 5 क्लास से ऊपर 5 के बच्चे, 6 के बच्चे, 7 के स्टूडेंट्स हो गए, 8 के स्टूडेंट्स हो गए, उन लोगों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अब आप हायर क्लास में आ गए और बच्चे वाले डेफिनेशन आपको अच्छे नहीं लगते, और बच्चे जैसे कहें कि अनऑर्गेनिज्म होकर मेक देयर फूड ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड प्लांट्स, नहीं है मजा नहीं आएगा, आगे जाएंगे तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा और इलेबोरेट होता है, ऐसा डेफिनेशन ऐसा कॉन्सेप्ट कि सुनने में अच्छा है। तो ये डेफिनेशन क्या है एन ऑर्गेनिज्म हू कैन मेक दियर फूड, ये जहां तक ये है ना मेक दियर फूड, अब कैसे तो बाय कन्वर्टिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके जो ऑर्गेनिक फूड ले सके, अपने न्यूट्रिएंट्स ले सके, न्यूट्रिशन कर सके, वो क्या कहलाएगा प्लांट कहलाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स की, प्लांट होते कितने तरह के हैं। ठीक है, प्लांट्स होते कितने तरह के हैं हम लोग पढ़े हैं प्लांट्स कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट में एक एक करके हम जिक्र करेंगे, स्टडी करेंगे कि प्लांट होते कितने तरह के हैं, समझेंगे इनके एग्जाम्पल समझेंगे और इनके बारे में बातें समझेंगे। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रहा हूं ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में सुविधा हो, ज़्यादा बोर ना हो, ज़्यादा प्रेशर ना हो। चलिए एक वीडियो देख लिए, उसको रिमाइंड करिए, फिर आगे बढ़े, क्योंकि कुछ टर्म्स जो मैं ले रहा हूँ
वो टर्म्स डिफिकल्ट रहेगा अभी आप लोगों को, है ना बच्चे लोग, अभी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन आप भाई जब याद कर लो तो मजा आएगा। जैसे जानते हो ना अभी लोग कहते हैं कोरोना है, कोरोना है, बहुत भयानक बीमारी है, मौत ही बढ़ रही। सिंपल सी बात है, कहा जाता है आप अपने आप को घर में रखिए, है ना, मास्क रखिए। ये मत समझिए कि हम मास्क लगा करके घूम रहे हैं तो हमको कोरोना नहीं, क्योंकि खतरा बना रहता है। हाँ एक चीज और है, कुछ प्रिकॉशंस लेते रहिए, तो घर में रहना मुश्किल हो रहा है ना, तो बट क्या करें, घर में रहना पड़ता है। उसी तरह से अभी आप कुछ एडवांस टर्म्स को पढ़ लीजिए, है ना, जैसे मम्मी पापा की, मम्मी की बातें मानना मुश्किल लगता होगा ना, फ्रेंड्स हैं कि चलो यार फ्रेंड्स के साथ खेले, मोबाइल पे वीडियो देखने में मजा आता होगा, मम्मी मुझे वो वाला सीरियल देखने दो, वो कार्टून देखने दो, वगैरह वगैरह, मजा आता है। जिन चीज़ों में मजा आता है ना बेटा, उससे सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस के लिए थोड़ा सा उस मजा को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ है। आप ज़्यादा मस्ती नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मस्ती आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा। जैसे वो होता है ना, मम्मी कहते हैं, टीचर्स भी आपको बताते हैं ना कि ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो क्या होता है, दांत खराब हो जाते हैं। क्यों? कीड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चॉकलेट होता है ना, आप जब खाते हैं तो देखते हैं ना, वो दांतों में चिपकता है, वो चिपचिपा सा होता है। तो जब चॉकलेट खाते हैं तो कुछ दांत में चिपक गया, अब दांत में चिपक गया तो आप मुंह चूंकि बाहर है, और बहुत सारे जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरियाज क्या हो जाते हैं, आपके माउथ में जाते हैं, उनको खाने के लिए चॉकलेट मिल गया, आपके माउथ में सलाइवा है ना, थूक जो से पकड़ते हैं वो है, तो उसको पानी मिल गया, अब वहाँ खाए, अब जब खाएंगे खाएंगे जहाँ पर रहेंगे वहीं पर ना अपनी वेस्ट एक्सक्रिएट करेंगे। जैसे आप स्कूल में रहते हैं तो टॉयलेट है ना, वही टॉयलेट लीजिएगा, है ना, वही बैक्टीरिया करते हैं तो वो एसिडिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज कर देते हैं, उस एसिड के कारण क्या होता है, आपके दांत डैमेज होने लगता है। दैट्स व्हाई कहते हैं कि भाई चॉकलेट मत खाना, ठीक है। चलिए तो उसी तरह से हम ज्यादा मस्ती नहीं, मस्ती के साथ ही पढ़ाई समझ लेते हैं। तब टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ प्लांट में आप लोग पढ़े होंगे ट्रीज, पढ़े है ना, क्या होता है ट्रीज, के बाद आप पढ़े होंगे फ्रूट्स, इसकी जिक्र करेंगे, फ्रूट्स के बाद समझेंगे हर्ब्स, ठीक है, हर्ब्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्रीपर्स, क्रीपर्स के बाद हम लोग समझेंगे क्लाइंबर्स, क्लाइंबर के बाद हम लोग समझेंगे रनर, रनर के बाद हम लोग समझेंगे राइजोम, राइजोम के बाद हम लोग समझेंगे स्टोलन। ये छह तरह की प्लांट्स की बात हम लोग करेंगे, क्या क्या, ट्री, फ्रूट्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, रनर, राइजोम्स और स्टोलन। करें आगे बढ़े, ट्री, व्हाट इज ट्री, ट्री क्या होता है। देखिए अभी हम लोग समझे थे ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म हम लोग समझे थे प्लांट और एनिमल। ऑर्गेनिज्म के दो मेन ग्रुप था, इसको मल्टी सेलुलर कहते हैं, एनिमल और प्लांट। अब प्लांट की एक टाइप है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ प्लांट, ट्री, फ्रूट्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, रनर्स, राइजोम एंड स्टोलन। आई थिंक आप ये छह का नाम तो सुने होंगे, लेकिन ये दो का नाम नहीं सुने। देखे बहुत हैं, खाए बहुत हैं, मजे बहुत लिए हैं, जानते नहीं, है ना, हम इनके बारे में भी समझेंगे। ये छह तो आप सुने होंगे, ट्री, फ्रूट, हर्ब्स, क्रीपर, क्लाइंबर। अच्छा एक चीज और आप बताते हैं, ये क्रीपर और रनर, ये दोनों में भी कंफ्यूजन होता होगा, क्रीपर कौन है, रनर कौन है। ठीक है अभी छोटे बच्चे हैं तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज हम इस हम अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम आपको समझा देंगे कि वास्तव में क्रीपर क्या है, रनर क्या है, क्या होता है, ठीक है। तो पहले ट्री की बात करते हैं, तो ट्री के लिए कहेंगे अ प्लांट, अब यह डेफिनेशन है, वेरी बिग प्लांट, वेरी बिग प्लांट विद थिक हार्ड एंड बॉडी स्टेम,
इज नोन एज ट्री। देखते हैं ना प्लांट जिनके स्टेम बहुत मोटे मोटे होते हैं, यूं इतने मोटे है ना, फिर कभी हाथ में ऐसे करके पकड़ लेते हैं, अब बहुत ऐसे करके पकड़ लेते हैं, तो ये खूब मोटे मोटे। तो वे ट्री वे प्लांट जो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े मतलब आप उनके पत्ते नहीं तोड़ सकते, फ्रूट नहीं तोड़ सकते, जैसे मैंगो छोटा होता है, कितना बड़ा मैंगो का ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है ना, मैंगो ट्री होता है, वो प्लांट है बहुत बड़े, बहुत बड़े, ढेर सारे पत्ते जिनकी बहुत अच्छी शैडोज होती है, हर प्लांट अपना शैडो देता है। तो कह रहा है वेरी बिग प्लांट विद थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम इज नोन एज ट्री। क्या थिक बहुत मोटी, हार्ड बहुत कठोर, ऐसा नहीं क्या पकड़ के तोड़ लिए, उसके लिए कुल्हाड़ी भी देते हैं ना काटने के लिए, खूब सारी कुल्हाड़ी है और क्या क्या लगाया जाता है ट्री को काटने में, कभी कभी कई घंटे लग जाता है, है? क्यों? क्योंकि उनका स्टेम ठीक होने के साथ साथ हार्ड भी होता है। अब जैसे बनाना को दे लो ना, बनाना ट्री नहीं है, बनाना को हम ट्री नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे भाई, बनाना का ठीक है स्टेम ठीक होता है, मोटा होता है, ठीक होता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वुडी नहीं होता है, वुड मतलब काठ, काठ वुड आया जिससे जो हार्ड हो, आप जिसको नहीं मोड़ सकते, जिनको नहीं तोड़ सकते, दैट की वुड। वुड पर भी अलग से वीडियो में लाऊंगा जिसमें पूरा बताऊंगा कि वुड क्या होता है। तो ठीक हार्ड एंड वुडी स्टेम है ना, जिसका स्टेम ठीक हो, मोटा हो, हार्ड हो, कठोर हो, नहीं तोड़ सकते, और वुडी हो क्या कहलाएगा ट्री। एग्जाम्पल आप लोग सुने होंगे, जानते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री, और बोलिए 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 पीपल, और बोलिए नीम, अगर अगर ढेर सारे है ना, इन सब को हम लोग कहते हैं ट्री, क्योंकि इनके स्टेम थिक होते हैं, हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, इन पर आप चढ़ सकते हैं, बहुत से बच्चे नटखट होते हैं ना, वो इनकी डालों पर चढ़ते हैं, चढ़कर उछलते हैं, खेलते हैं, है ना। ट्री बहुत यूजफुल होते हैं, ट्रीज बहुत 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 यूजफुल होते हैं। अभी आपको पता है ना कोरोना है, तो अभी बहुत से लोग जो इनको कोरोना हो गया है उनको ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ रहा है, तो कहा जाता है कि एक आदमी को ऑक्सीजन का एक दिन में 3 सिलेंडर की आवश्यकता होती है ना, 3 सिलेंडर की ऑक्सीजन की आवश्यकता है, 3 सिलेंडर होता है 24 आवर। अब ट्री को ले लीजिए, ट्री क्या करता है, वो कितना सिलेंडर ऑक्सीजन देता हो, एक आदमी को एक दिन में 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के 3 सिलेंडर की आवश्यकता पड़ जाती है। आप बताइए अर्थ पर तो ट्रिलियंस ऑफ लोग हैं, है ना, ट्रिलियंस ऑफ लोग हैं, सबको ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ट्री, कितना इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिलियंस 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 ऑफ ट्री। कहता है हार्ड वुडी, अच्छा तो कह रहा है ट्री क्या होते हैं, वेरी बिग प्लांट होते हैं, ट्री का हार्ड है वुडी स्टेम हो गए, ये तो हम ट्री की बात कर दिए। अब ट्री के बाद हम लोग बात करेंगे शूट्स, किसकी बात करेंगे, शुभ की। शुभ क्या होता है, शुभ के बारे में कुछ बातें और बताएंगे। प्लांट्स विद थिन हार्ड एंड वुडी स्टेम आर नोन एज शूट्स। वे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम, देखिए ये स्टेम के आधार पर ही क्लासिफाई हुआ है, ट्री, शूट, हार, क्रीपर, क्लाइमर, रनर, राइजोम, स्टब, सब स्टेम के आधार पर, उसका स्टेम कैसा है। प्लांट के दो पार्ट, रूट और शूट, रूट और शूट। रूट तो पता है ना आपको, क्या कि वह पार्ट जो
दैट ग्रो अंडर द स्वाय, जो मिट्टी के अंदर बहता है स्वाय कहलाता है, और जो मिट्टी के ऊपर बहता है वो क्या कहलाता है, सूत। सूत के पार्ट होते हैं ना स्टेम, है ना, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना, क्या क्या, स्टेम, रूट, फ्रूट्स, फ्लावर्स। अब स्टेम के बाद आता है, स्टेम में ब्रांचेज भी आते हैं, ब्रांचेज क्या होते हैं, उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ स्टेम, ब्रांचेज क्या होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ स्टेम, निकल गया एक्सटेंशन मतलब सस्टेन करना फैल। आगे बात करेंगे इसके बारे में, फिर समझ लीजिए। अभी समझिए कि प्लांट्स विद थिन हार्ड एंड वुडी स्टेम, जिनके स्टेम थिन हो, हार्ड हो और वुडी हो, क्या कहलाता है, श्रूस कहलाता है। श्रूस ब्रांचड भी हो सकता है, नॉन ब्रांचड भी हो सकता है, ब्रांचड यानी ब्रांच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसकी बात आगे करेंगे। फिलहाल हम समझे कि प्लांट जिनके थीन यानी पतले, हार्ड कठोर एंड वुडी स्टेम हो, इनमें भी वुड हो, जिनके स्टेम थीन हो, हार्ड हो और वुडी हो, यानी टूट थोड़ा जाए लेकिन ताकत लगाना पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म का एग्जाम्पल बोलिए, एग्जाम्पल रोज, ये भी श्रूप है, बबूल एक श्रूप है, और बोलिए, और बोलिए श्रूप का एग्जाम्पल, आगे नहीं याद है, चलिए और तीन चार आप कमेंट कीजिएगा, चार श्रूप का नाम आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बुक्स पढ़िए, श्रूप के नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। चलिए श्रूप के बात करेंगे, हर हर क्या है, ना हर हर आप पढ़े हैं बुक में, हर समझ लीजिए, हर्स आर प्लांट्स विद टेंडर सॉफ्ट टेंडर सॉफ्ट थीन एंड ग्रीन स्टेम, हाँ कुछ के कुछ हर्ब्स के स्टेम ग्रीन नहीं होते बट जनरली ग्रीन होते हैं, और कुछ के नहीं होते वो तो हायर क्लास में पढ़ेंगे ना, प्लांट के कुछ पार्ट ही कलरफुल होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, अभी आपको कितना पढ़ेंगे क्लोरोफिल के कारण वो हरे होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल में पिगमेंट होता है, इसी तरह से आपको क्लोरोप्लास्ट के कारण हरे होते हैं तो क्रोमोप्लास्ट के कारण वो कलरफुल होते हैं, क्रोमोप्लास्ट उसमें स्पेसिफिक पिगमेंट पाया जाता है, पर जनरली ये डिफिनेशन है कि प्लांट्स विद टेंडर सॉफ्ट थीन, सॉफ्ट टेंडर का मतलब होता है लचीला, जिनका जो स्टेम है लचीला हो, सॉफ्ट हो, कोमल हो, आसानी से टूट जाए, थीन हो, पतला हो और ग्रीन हो, हरा हो, क्या कहलाता है, हर्ब कहलाता है। ध्यान रखिए कि हर्ब में पत्ते कम होते हैं और हर्ब का हर एक पार्ट, हर्ब का रूट और हर्ब का लीफ और स्टेम सब में फोटोसिंथेसिस होता है, वो भोजन बनाते हैं, इसीलिए हर्ब न्यूट्रिशियस होते हैं, हर्ब ज़्यादातर हम हर्ब खाते हैं, नहीं साग वगैरह भी खाते हैं हर्ब, है ना, जैसे धनिया है ना, धनिया का या पुदीना है, धनिया का क्या खा लेते हैं, ग्राम निकाले जड़ से हटाए और सारा मम्मी है ना उसको चटनी बना दी, सब ऐसा थोड़ा टैसे पत्तियाँ का बनाया है वो सब ले ली, हाँ थोड़ा सा वो अगर फाइब्रस हो गया, मतलब अगर धनिया ज़्यादा बड़ा हो गया तो फाइब्रस हो जाता है, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो मम्मी क्या करती है स्टीम को निकाल कर फेंक देती, बट फिर भी वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि उससे बॉडी के फाइबर्स की पूर्ति होती है। तो कहते हैं वे प्लांट जिनके टेंडर सॉफ्ट थीन और ग्रीन स्टेम क्या कहलाते हैं, हर्ब। एग्जाम्पल में क्या बोलिए, कोरिएंडर, है ना, कोरिएंडर, उसके बाद बोलिए कोरिएंडर, आगे बोलिए आप नहीं बोलिएगा, फिर ले लीजिए ग्राम,
फिर आप बात कर लीजिए मस्टर्ड, ये सब क्या है? हर्ब है। ऐसे और आपको पांच हर्ब के नाम कमेंट करने, ठीक है? अभी तक तो हम समझे क्या क्या समझे, ट्री, फ्रूट्स और हर्ब। हम समझे कि प्लांट क्या होता है, एनिमल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है। उसके बाद हम समझे हर्ब क्या है, सन क्या है, ट्री क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रीपर क्या है, क्लाइबर क्या है, रनर क्या है, राइजोम क्या है और स्टर्म क्या है। तो आप मेरे नई वीडियो आने का इंतजार कीजिए, तब तक इस वीडियो को देखिए और प्रयास कीजिए अच्छी तरह से समझने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।